हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT यानी गवर्नमेंट जॉब्स हो रिव्यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकारी नौकरी से संबंधित हैं। इस वीडियो में नॉन टीचिंग के विभिन्न पद के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की तिथि के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फिजिकल फॉर्म में जमा करने की अंतिम तिथि 24 मार्च 2023 है। इसमें विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें विभिन्न पद की बात करें तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स में कुल 10 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। L7 का पद हैं और 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये पर मंथ सैलरी हैं। टैक्स असिस्टेंट के लिए 32 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ हैं। MTS के 29 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 रुपये हैं। यह जो वैकेंसी आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आया है। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं और 10वीं क्लास पास लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं। यदि आप 10वीं क्लास पास हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसे हम सरकारी नौकरी कहते हैं, या रेगुलर बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं क्लास पास हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया है। यह क्राइटेरिया थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, बट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में यह नोटिफिकेशन मैं सेंड कर दूँगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार आप ज्वाइन हो सकते हैं। और उसमें मैं डेली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन सेंड करता हूं और जो वीडियो बनाता हूं उसका भी नोटिफिकेशन सेंड करता हूं। अब ये है सिलेक्शन प्रोसेस में, तो यहाँ पे बहुत सारी सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप दी गई है। इतना सारा स्टेप बताना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे है 5वें नंबर पे, तो लिस्ट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जानकारी दी गई है। तो यह जो लिस्ट है यहाँ पे लिस्ट ऑफ और भी डिटेल जानकारी दी गई है। तो यह लिस्ट किस लिए है कि इसमें से कोई भी आपके पास जानकारी है तो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, इसलिए यह लिस्ट आपको पढ़ना है। हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो ये देखिए इंडिया के कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की बात करें तो जो पहला पद है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, उसके लिए 30 साल एज लिमिट है। असिस्टेंट पद के लिए यानी टैक्स असिस्टेंट के लिए 18 से लेकर 27 साल हैं और एमटीएस स्टाफ के लिए 18 से लेकर 25 साल एज लिमिट है। यहाँ पे आते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, तो प्रेफर वाली बात छोड़ दें तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री लेवल पे आवेदन आमंत्रित है। यहाँ पे देखिए जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पद है उसके लिए बैचलर डिग्री की आवश्यकता है और टैक्स असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री है। इसके अलावा MTS के लिए 10वीं क्लास पास है और इस पद के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। अब हम बात करें एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पर लिखा है कि द कैंडिडेट शुड बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन वो अचीवमेंट ऑन स्पोर्ट बाई, जो प्रेफर करने के लिए जो लिंक दी गई है उसके आधार पे, यानी जो क्वालिफिकेशन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके जो जानकारी है उसके आधार पे आपका सेलेक्ट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद एग्ज़ाम के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो रिटन टेस्ट की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होगा। शॉर्टलिस्ट होने के बाद इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 प्रश्न पूछा जाएगा और 60 अंक का है। इसी तरह से जनरल अवेयरनेस 25 प्रश्न 50 अंक, क्वांटिटी एटीट्यूड 30 प्रश्न 7 अंक और जनरल लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंसिव भी 30 प्रश्न है 7 अंक का, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट 10 प्रश्न पूछा जाएगा और ये 20 अंक का है। इस तरह से 125 प्रश्न पूछा जाएगा, 150 अंक का आपका पेपर होने वाला है। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपका सिलेबस दी गई है और इसी एडवर्टाइजमेंट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। देखिए ये सब सिलेबस दिया गया है। तो फ्रेंड, इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है।